घूमते 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 ये मानव शरीर मिला है, इस राज्य में नहीं मिलता है मानव शरीर, लेकिन है तो दुर्लभ। लेकिन दुर्लभ होने पर भी उदाहरण देते हैं, ले कमल दल जदा जीवन अटल मल, जैसे कमल का पत्ते के ऊपर में पानी रखो ना, किसी समय में भी वो गिर सकता है। उसी तरह ये मानव शरीर में कोई गारंटी नहीं है हम इतने साल तक रहे। अभी कोरोना आई थी ना, कितना लोग कोरोना में चले गए, चले गए कि नहीं। इसलिए कहते हैं कि निश्वास में नैव विश्वास, मतलब हमने जो श्वास छोड़ा है दूसरा बार भी श्वास ले सकते हैं, इसमें कोई गारंटी नहीं है, है? कभी भी मर सकते हैं, लेकिन ये तो अनित्य। लेकिन एक महत्वपूर्ण काम इसमें हो सकता है, ले क्या है, पर इसी जीवन में हम भगवान की भक्ति कर सकते हैं। ये 84 लाख जीवन में इंसान को छोड़ करके इसको बोलो कृष्ण कृष्ण राम राम बोले, कोई बोल सकता है? बोलो कोई राम राम कृष्ण कृष्ण बोल सकता है? कोई बोल नहीं सकता। इसलिए मुक्ति के दरवाजा सबके बंद है, केवल ये मानव शरीर में ही जीव को मुक्ति मिल सकती है। इसलिए भगवान कहते हैं, देखो ये तो भगवान की जो भजन है ना, बोले तृणम जतेत न पतेत अनमृत जागत, क्या बात कर रहे हो इधर तक। इसलिए कहते भजन कब से शुरुआत करनी चाहिए, हम लोग कहते ना अभी क्या भजन करेंगे, हम क्या पढ़ रहे हैं अभी, इतने कितने जल्दी हम भजन करेंगे। हाँ जब रिटायर्ड लाइफ हो जाएगा, कोई काम धाम नहीं रह जाएगा ना, तो माला भगवान की करीब अभी से क्या भगवान की भक्ति करें, लोग ऐसे बोलते हैं ना। लेकिन भागवत में बताए नहीं, प्रहलाद महाराज बच्चों को शिक्षा देते हैं, बोलते तो बच्चों कौमार आचरते प्राज्ञम, जो बुद्धिमान है उनको 5 साल उम्र से भक्ति करनी चाहिए। कितने साल उम्र से? 5 साल। बोले 5 साल से क्यों करें, तो 5 साल से क्यों करें, किसने कहा जो बड़े हो जाएंगे करेंगे। कहा किसको पास में इतने साल तक जिंदा रहेंगे, कोई बोल सकता है इतने साल जिंदा रहेंगे? कभी भी ये शरीर छूट सकता है, कभी भी ये शरीर छूट सकती है। इसलिए बोले दुर्लभ मनुष्य जन्म, ये जो शरीर है भगवान सहज में ये शरीर भगवान जीव को नहीं देते हैं, बड़े भाग्य से ये जीवन मिला है, बड़े भाग्य से ये जीवन मिला। इसलिए कहते तृणम, तृणम मतलब क्या है, जितने जल्दी पारो क्या करो, भगवान की भक्ति में लग जाओ। किसमें लग जाओ? भगवान की भक्ति में लग जाओ। और जो दूसरे दूसरे जो काम हम कर रहे हैं, खाना पीना सोना बच्चों को जन्म देना, जो कर रहे हैं वो तो चलते रहेगा, कहते चलते रहेगा, उसको तो कोई बंद कर ही नहीं सकते। इसलिए क्या करो, तृणम, तृणम मतलब होता है कल कर सो आज करो, और आज कर सो अब, क्योंकि पल में प्रलय होगी बहुरी रहेगी कब है। इसलिए जीवन में कोई विश्वास नहीं, कभी ये काल आकर के चोटी पकड़ ले, अगर बोलेंगे नहीं भैया बैठो वहां पर, हाँ वहीं पर बैठो। इसलिए अगर बोलेंगे नहीं अभी तो बेटी की शादी नहीं हुई, अभी क्या काल आ गया, वो काल सुनेगा, वो चोटी पकड़ेगा तो चलो, तो चलो वो एक सेकंड के लिए नहीं रुकेगा, भले ही तुम्हारी जितने काम पड़ गया थे है, जितने काम की नहीं हो, चोटी पकड़ा तो चलो समझ में चलना पड़ेगा है। इसलिए यहाँ पर भगवान का तृणम मतलब जितने जल्दी दूसरे दूसरे काम को पीछे रख लो, खाना पीना सोना ये तो हर जीवन में करते करते आए, गधे कुत्ते सुअर जीवन पहले जो मिला उसको बाद में जीवन मिला, वो जन्म तक सब यही काम करते करते आए। सुअर को देखो एक दिन आपने 10-10 12-12 बच्चे जन्म दे देता है, दे देता कि नहीं, आपने कितने जन्म बच्चे देते, 2000, और वो तो एक महीना में बड़ा छोड़ देता है। हम तो बच्चों को बताने 20-25 साल में बड़ा करते हैं, एक नहीं खाने के लिए देखो कितने पढ़ाई लिखाई नौकरी चाकरी के लिए जाते हैं, तभी पैसा कमा कर भोजन करते, जानवर को देखो घूमते इधर उधर भोजन कर लिए, सोने के लिए हमको इतने बढ़िया घर चाहिए, है बढ़िया घर चाहिए तभी सोगे, एयर कंडीशन रूम चाहिए तभी हमको नींद आएगी, तभी अगर कोई चिंता हो ना गोली खाने पर भी हमको नींद नहीं आती है। लेकिन जानवर को तो जहाँ ले गए, यदि ये जो काम है खाना पीना सोना ही तो कुत्ते गद्दे सुअर भी कर रहे, अगर ये जीवन पा करके हम जीवन को यही से ही खा पी कर जीवन बिता दिया, तो भगवान कहते देखो भैया अगली जीवन में फिर ठाकुर जी ये मानव शरीर तुम्हें नहीं देंगे, है नहीं देंगे। इसलिए क्या करो, भगवान कहते हैं जितने जल्दी पार भगवान की भक्ति में लग जाओ, भगवान की
बोले को है भजन क्या चीज होता है, भजन क्या चीज है। इसलिए भगवान ने ये कलयुग में उन्हें सबसे सरल उपाय रखा। जानते हैं कलयुग में लोग इतने परिश्रम कर नहीं सकता है, लोग का इतना क्षमता नहीं है। इसलिए भगवान ने बोले कलयुग में ज्यादा कोई परिश्रम की जरूरत नहीं, बोले कलयुग केवल नाम आधारा और सुमेरी सुमेरी नरा उतरे पारा उतरे पारा। तो बोले कलयुग में हरि का नाम जप करो। बोले भैया कौन सा नाम जप करेंगे, कौन सा नाम जप करेंगे। इसलिए शंकर जी ये बात पार्वती को कहते हैं। कौन कह रहे हैं? शंकर जी कह रहे हैं पार्वती को। देखो क्या कहते हैं, बोले इति षोडश का नाम नम कलि कल्पस नाशनम नात परत उपाय सर्वे देवेषु दृश्यते। शंकर जी कह रहे हैं ये जो स्वल नाम 32 अक्षर है, जैसे हरे कृष्ण, बोलो मेरे साथ में हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। जो हरे कृष्ण महामंत्र है, शंकर जी कहते पार्वती की जो स्वल नाम और जो 32 अक्षर है, ये कलिजी का जितने पाप को यही नष्ट करने वाले, यही हरि नाम। इसलिए हरे हरे मतलब क्या, हमारे दुख कष्ट को जो हर ले, इसलिए हरि। कृष्ण मतलब क्या, मन बड़ा भटकता है इधर उधर है, मन को शांति नहीं, कृष्ण नाम लेते मन को शांति मिलेगी। राम मतलब क्या, जो आराम देंगे, क्या देंगे आराम। जीवन में बताओ क्या चाहते हो, ये तो चाहते हैं दुख जाए, मन को शांति मिले और जीवन में आराम मिले। इसलिए जो हरे कृष्ण महामंत्र भी ये सारी चीज इसमें ही है। हरे मतलब और एक अर्थ राधे, कृष्ण मतलब कृष्ण, राधे कृष्ण राधे कृष्ण है। कलयुग में यही भगवान ने सबसे सरल उपाय रख दिया, बोले हरि का नाम जब कर ज्यादा परिश्रम करने का जरूरत नहीं। लेकिन भगवान बड़े दुखी होकर एक बात कहते हैं, बोले क्या कहते हैं, बोले सुलभ भगवत नाम जिह्वा च वशवर्तिनी तथापि नरकम जानती की आश्चर्य अथ पर। मतलब है भगवान ये नहीं बताए, देखो मेरे नाम लोगे ना तेरे कुछ पैसा देना पड़ेगा। भगवान बोले श्री का नाम है, लेकिन दूसरे दूसरे युग में जो भगवान की भक्ति होता था इतना आसान नहीं था। कठोर तपस्या करो, यज्ञ करो, भगवान की सेवा पूजा करो, बहुत पैसा लगता था। लेकिन भगवान कलयुग में सबसे सरल उपाय रख दिया, ज्यादा कोई परिश्रम की जरूरत नहीं, श्री का नाम है। केवल ये जिह्वा ना जो होठ हिलता है ना, इधर उधर बैठ करके बात करते, बहु बेटियों की बात करते करते कि नहीं, अगर बैठ जाए बताएं तो उसके सास ने ऐसे कर दी, बहू के साथ लड़ाई हो रही है, ससुर के साथ में बैठती नहीं, यही तो बात करते ना। और क्या करते हो, कहते भैया इधर उधर का क्यों बात करते हो, इधर उधर बात नहीं करके क्या करो, भगवान का नाम जप करो, ठाकुर जी की नाम जप करो। बोले सुलभम भगवत नामम, फिर बोले जिह्वा च वशवर्तिनी, ये जिह्वा हमारे अधीन में है, ये जिह्वा को बोलो तो प्रभु का नाम के लिए नाम करेगा। अगर ये जिह्वा बोले चुगली करने के लिए ना, चुगली करना शुरू कर देगा, हैं चुगली करना शुरू कर देगा। बोले तथापि नरकम जाति, बड़े आश्चर्य की बात है, तब भी कलयुग के जीव नरक जा रहे, बोले इससे आश्चर्य क्या हो सकता। इसलिए समय को बर्बाद नहीं करते हुए क्या करनी चाहिए, भगवान की हरि नाम करो, भगवान की नाम को जप करो, इससे शांति मिलेगी। हम लोग तो हिंदू है ना, हिंदू है ना कोई मुसलमान है, सब हिंदू है ना। अब देख लेना जब कोई व्यक्ति मर जाता है, देखे होंगे मरते समय जब चार व्यक्ति कंधे पर ले जाते हैं, सुने हो क्या बोलते बोलते ले जाते हैं, क्या बोलते हैं, यही बोलते हैं ना, राम राम सत्य है, गोपाल नाम सत्य है, सत्य बोल गत्य है, सब कोई बात झूठा है, ये बोलते हैं ना। ये किसको सुनाते हैं, वो जो ऊपर लेटा हुआ है, जिसको जिसको जलाने के लिए ले जाते हैं ना, हाँ जिसको जलाने के लिए ले जाते हैं, उसको सुनाते, बोले देख बेटा जीवन में जितने तुमने हरि का नाम लिया, जितने जीवन में कृष्ण का नाम लिया, अब तेरे साथ में वही जा रहा है, अब सब कोई बात झूठा। मतलब क्या, इसके सिवाय तुमने जीवन में जो कुछ किए हो केवल तुमने झूठे में जीवन लिखा है। शरीर छूटने पर एक सुई धागा भी यहाँ से साथ जाता है क्या, पत्नी जाएगी तो रो रो कर कहाँ चले जाएगी, दरवाजा तक जाएगी, उसका आगे पत्नी नहीं जाएगी, परिवार वाले जाएंगे तो कहाँ तक जाएंगे, खोपड़ी में घी भर कर फोड़ कर आ जाएगी।
आ जाएगी, वही से आ जाएगी नहीं है। और फिर आते समय हमारे देश में क्या करते जानते हो, बीच में कांटा गाड़ देते थे, दो बार तो घर में नहीं पड़ता है, और घर को सामने के लोहे रख लेते थे, बोले क्यों, बोले ये दो बार घर में नहीं है। देखो कितने आश्चर्य की बात, जिसने घर बनाया है, जिसका सब कुछ है, लेकिन ये शरीर से वो परमात्मा चले जाते हैं, दो बार घर में घुसने का, उसको घर में घुसने नहीं देंगे, आश्चर्य बात है कि नहीं। लेकिन साथ में क्या जाएगा, भगवान की नाम जाएगा, भजन जाएगा, लेकिन वो चीज वो हम नहीं करते। इसलिए यह भगवान खुद कहते हैं, तृणम जतेत न प्रतेत अनमृत जावत, मतलब मृत्यु आने से पहले जितने जल्दी पारो क्या करो, भगवान के भजन में लग जाओ, ठाकुर की भक्ति में लग जाओ, क्योंकि साथ में तो यही जाने वाला, उसको जाएगा नहीं, ठीक है ना। क्या करना, हरि की नाम करना, कौन सा नाम करना, ये हरे कृष्ण आता है कि नहीं बोलना, किसका आता है बोलो तो, मैं सुनूंगा तुम लोग, अरे बोलो सर्व क्यों करते हो, हाँ बोलो, हरे कृष्ण, गलती बोल दो, ठीक से बोलो, बोले हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे, ये नाम है, हाँ ये 16 नाम, ये 32 अक्षर, शंकर जी कहते हैं ये नाम से अन्य जीव का जितने भी भगवान का नाम है, कोई भी नाम ले सकते हो, लेकिन विशेष करके कलियुग के लिए ये नाम शंकर जी स्वयं कहते पार्वती, ये कलियुग में ये हरि का नाम ही जीव को कल्याण करने वाले, ठीक है ना। चैतन्य महाप्रभु का नाम सुने होंगे, ये भगवान कलयुग में राधा कृष्ण दोनों मिलकर के महाप्रभु रूप में आए, एक समय उनको भक्तों ने निमंत्रण दिया, प्रभु आज हमारे घर भोजन है, लेकिन भगवान एक चीज को शिक्षा देने के लिए बोले, देखो सबको धर्म में भोजन नहीं करता, भक्तों ने पूछे प्रभु किसको धर्म में भोजन करोगे, बोले अगर कोई लखपति हो, आज से 5.5 साल पहले, लखपति मतलब कोई साधारण बात नहीं, लखपति उस मतलब 1 लाख सोने के मोहर जिसके घर में, उसको घर में मैं भोजन करूंगा, भक्त लोग तो दुखी हो गए, कहते महाप्रभु कहते 1 लाख स्वर्ण मोहर हो, और मैं सुना पहाड़ी को माता के पास बहुत सोना चांदी रखा है, इतना नाक में इतने बड़े बड़े क्या नाक्षणा, अरे नथनी, अरे गले में हाँ मंगलसूत्र सोने की है, पहन कर निकलते, इसलिए बोले जिसको उसको घर में भोजन करूंगा, जिसके घर में 1 लाख स्वर्ण मोहर हो, भक्त लोग तो दुखी दुखी हो गए, बोले प्रभु हमारे घर में 100 रुपया भी नहीं, 100 रुपया मतलब क्या है, जिसको घर में 100 स्वर्ण मुद्रा हो उसको, बोले प्रभु हमारे घर में 100 रुपया नहीं, अब लाख की बात कर रहे हो, बोले फिर हमारे घर में क्या भजन नहीं करेंगे, अरे भगवान बैठाया, देखो क्या आप समझाते हैं, बैठाया समझाए, बोले जानते हो असली लखपति कौन है, बोले प्रभु कौन है, बोले रोजाना ये 1 लाख ठाकुर को जो नाम जप करते हैं वही असली लखपति, इसलिए मीरा कहती है ले लो रे कोई राम का प्यारा, आवाज लगाओ गली गली, राम नाम के हीरे मोती मैं बिखराऊं गली गली, ले लो रे कोई राम का प्यारा, भजन गाती होगी ना, कहते जिन जिनने यह मोती लूटे वो सब माला माल हुए, माया के जो बने पुजारी आखिरियों का दाल हुए, सोना चांदी माया वालो मैं समझाऊं गली गली, कृष्ण नाम के हीरे मोती मैं बिखराऊं, सब जानती हो मेरे करते नहीं करते हो मेरे तरफ में, देखो लखपति कैसे बने हुए, अमिताभ बच्चन का नाम सुने हो, अमिताभ बच्चन का नाम जानते हो, कौन कौन जानते हो, सब जानते हो, टीवी में आता है ना जानते हो, अभी कुछ दिन पहले आता था ना कौन बनेगा करोड़पति, देखे कि नहीं कौन बनेगा करोड़पति, यहाँ पर भगवान कहते कौन बनेगा लखपति, मेरे तरफ में देख लो लखपति कैसे बनेगा, कैसी ये माला है, देखो तुमको इतनी माला दे जाऊंगा, इसलिए तुमको दिखा रहा हूँ लखपति कैसे बनोगे, हाँ ये माला है, हैं माला में कैसे लखपति, जैसे ना जैसे ये माला है, जैसे हरे कृष्ण बोलो मेरे साथ में,
हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम हरे राम 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 हरे हरे, बोल कर के ना एक मुट्ठी इसमें सर करता है सर का, अरे हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम हरे राम 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 हरे हरे, दो मुट्ठी सर करते हैं। करते करते जब यहाँ खत्म हो जाता है ना, फिर इसको पार नहीं करते, पार नहीं करते फिर घुमा देते हैं, घुमा देते हैं। देखो लखपति कैसे होता है, देखो हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, कितना बार हो गया, 16 हो गया है, इसमें 108 होती है। जैसे यहाँ पर खत्म हो जाते हैं ना, फिर दूसरे तरफ से करनी चाहिए। अगर हमने इसे 16 माला कर लिया, 16 राउंड माला कर लिया, और हिसाब से होता है 25,000। अगर हमने 64 माला कर ली तो कितना हो जाएगा, 1,00,000। भगवान खुद कहते हैं, बोले तुमने 1,00,000 माला नहीं किया है, बोले क्या की, बोले आज तुम्हारे नाम पर बैंक में 1,00,000 रुपया फिक्स डिपॉजिट हो गई। भगवान खुद कहते हैं 1,00,000 रुपया फिक्स डिपॉजिट हो गई। बोले भैया ब्याज कितना मिलेगी, ब्याज तो मिलनी चाहिए ना, इसलिए भैया कहती है बोले दीना दीना बड़त सभायो पायो जी मैंने राम रतन धन पायो। आज अगर 1,00,000 किया तो कल तुमको 1,25,000 मिलेगी, और 4 दिन में 2,00,000 कितना हो जाएगा, 2,00,000 हो गया। ये तब ये सब क्या हो रहा है, तुम्हारे नाम पर ना खाता में जमा हो रही है, तुम्हारे नाम पर खाता में जमा हो रही है। मरने के बाद है ना, जब काफी खुलेगा ना माल ही माल। इसलिए कबीर, कबीर का नाम सुने हैं ना, देखो कबीर क्या कहते हैं, बोले मरने में सब जग डरे। बताओ अभी कोरोना आई थी ना, तो घर में बंद कर दिया, घर से निकल रही थी कोई है, घर से घर में बंद हो गए थे, बोले क्यों, कोई मरना नहीं चाहते, कोई चाहता है मरना क्या, नहीं। लेकिन यहाँ पर कहते कबीर कहते मेरा मन आनंद है, मैं खुश हो रहा हूँ। बोले क्यों, बोले सारा दुनिया मरने के लिए डरते हो, कितना खुश क्यों हो रहे हो, तो देखो क्या कह रहे हैं, बोले कब मरियो कब भेटियो परमानंद, वो कह रहे हैं। दूसरे लोग क्यों दुखी हो रहे हैं मरने के लिए, बोले कारण है भगवान की भजन नहीं किया, और ठाकुर के भक्ति भक्ति को झुकिया नहीं, भजन नहीं किया, दिन भर खा पी कर जीवन बिताए, जानते हैं मरने के बाद फिर 84 लाख के जन्म में जाओगे, फिर नरक भोग करोगे, इसलिए डर रहे हैं। बोले तू क्यों खुश हो रहे हो, तू क्यों खुश हो रहे हो, बोले इसलिए खुश हो रहा हूँ, मैं जिंदगी भर प्रभु का नाम जप किया ना, जिंदगी भर भगवान की मैंने नाम को जप किया, भगवान की भजन किया है, इसलिए मैं खुश हो रहा हूँ। मेरे को जानता है, मेरे को पता है क्या है, मरने का बाद मेरे लिए रथ आएगा, रथ में बैठ कर मैं ठाकुर के पास जाऊँ, इसलिए मैं खुश हो रहा हूँ, इसलिए मैं खुश हो रहा हूँ, समझ रहे कि नहीं। इसलिए क्या करना है, भगवान की नाम को जप करो, भगवान की नाम जप करो, कुछ समय भगवान के लिए निकालो। दुनिया के लिए तो समय निकालते निकालते कि नहीं, संसार के लिए बेटा बेटी बहू नाती पोती समय निकालते कि नहीं। हाँ देखो एक बात सुनो अच्छे तरह समझो, देखना संसार में अक्सर करके जो काम करते हैं ना, अपना लिए हम बहुत कम करते हैं, दूसरे के लिए करते हैं। अपना सास को कैसे खुश रखे, बच्चे को कैसे खुश रखे, पति को कैसे खुश रखे, ससुर को कैसे खुश रखे, बहू को कैसे खुश रखे, बेटे को कैसे खुश रखे, इसलिए ज्यादा करते हैं कि नहीं। अब से एक प्रश्न करता हूँ, तुम्हारे परिवार में तुम्हारे बड़े कोई खुश है, आप बोलते बोलो कोई खुश, तुम्हारी पीछे तुम्हारी चुगली के सिवाय कुछ भी नहीं होती है, सास बहू की चुगली करते हो कि बहू सास की चुगली करती हो, करते कि नहीं, संसार में यही होता है कि नहीं, संसार में यही होता है और कुछ संसार में होती नहीं। हाँ देखो ये चीज इसलिए मैं बता रहा हूँ, हम दुनिया के लिए बहुत समय करते हैं, समय देते हैं, लेकिन दुनिया हमें कुछ भी देने वाले नहीं, ये चीज समझाने के लिए। लेकिन साथ में क्या जाएगा, भगवान के नाम जाएगा, भगवान की नाम ही जाएगा, तो भैया उसके लिए क्यों समय नहीं दे थोड़ी सी, जब दुनिया के लिए जब अंतिम समय कोई साथ में नहीं जाएगा उसके लिए समय दे रहे हैं, लेकिन जब भगवान की भक्ति की बात आता है ना, कितने बहाना करते हैं, ये समय कहाँ है, हमारे पास में टीवी देखो तो 3-3 घंटा जाती है, स्मार्टफोन देखो तो पता ही नहीं है ना, लेकिन जब भगवान की भजन की बात आए ना, बोले समय कहाँ है, हमारे पास में समय कहाँ है, इसलिए क्या करनी चाहिए, भगवान के लिए थोड़ी समय निकालो, ठीक है ना, रोज रोज सवेरे बैठ करके हरि नाम करना, ठीक है।
दे जाऊंगा, माला करोगे? कौन करेगा? जिनको पास में नहीं हो, जिनको पास में नहीं है ना, वो के माला ले लो। देखो इधर, बच्चों को भी कराओ, पति को भी कराओ, खुद कराओ। अब देखो भगवान की, इधर सुनो, भगवान की हरि नाम करने से, भगवान का नाम करने से ना, मतलब हरि, हरि मतलब क्या है? घर का दुखों करता जो हर जाए, खत्म हो जाए। राम मतलब क्या? जीवन में आराम मिले। कृष्ण मतलब क्या? मन को, अब तो यही चाहते ना, और क्या चाहते? शांति सुख घर में आनंद, यही तो, और क्या संसार में चाहते हो? तो कुछ चाहते ना, लेकिन ये हरि नाम से किसम सारी से चीज यही हो। इसलिए और एक प्रश्न करता, हम लोग इधर सब पांच मछली से उठाते रहते, सही सही बोलते, झूठ झूठ मतलब मांस मछली कोई नहीं खाते, बहुत बहुत ताली बजाओ, तब अच्छी बात। ये सब चीज ना गंदी चीज से दूर रहनी चाहिए, ठीक है ना? शराब, पान, बीड़, सिगरेट, गंजा, अफीम, भांग, इसलिए सब चीज से दूर रहनी चाहिए। इस चीज अच्छी चीज नहीं है। दूर, जैसे आप किसी अच्छे डॉक्टर के पास भी जाओ ना, जैसे डॉक्टर अगर दवा दोगे, देखो बोले तेरे दवा तो बहुत बढ़िया दे रहा हूँ, अगर परहेज वो साथ में खाओगे तो दवा जल्दी जल्दी असर करेगा, है? अगर बगैर परहेज वो साथ में खाएंगे दवा तो खाएंगे, लेकिन वो बीमारी बड़ी लेट में सही होगी। इसलिए बोले भगवान की भक्ति करने के लिए सारे जीव हिंसा छोड़ देनी चाहिए, जीव हिंसा गंदी चीज ये सब चीज से दूर रहनी चाहिए, फिर भगवान की भक्ति करो तो बड़ी जल्दी जल्दी असर पड़ता है, ठीक है? बोले श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय, आज के आनंद की जय। देखो आज माता जी घर में संतों को बुलाए, भैया बेटा है ना तुम्हारी, एक ही बेटा है और एक कहाँ रहता है? देखो जिस दिन घर में साधु संत आते हैं ना, घर में हरी कथा हो, भागवत कहता है सर्वाणि तीर्थानि वसन्ति तत्र युद्धा चथात्र कथा प्रश्न, जिस घर में हरी कीर्तन हो गया ना, वो घर ही वृंदावन धाम, क्या हो गया? वृंदावन धाम हो गया है। तभी घर का जिसने दुख कष्ट कहते ना, मंगल भवन अमंगल है, जिस घर में हरी कीर्तन हो जाएगा वो घर का जितने अमंगल है, जितने दुख कष्ट है, भगवान की सत्संग होने से घर सब निकल जाती है, भगवान की धाम बच जाता है। इसलिए माता जी ने, भैया इधर आ, इसलिए माता जी ने, भैया ने घर में संतों को बुलाए, घर में इधर आ, संतों को उन्होंने बुलाए, इसलिए इनका घर आज घर क्या हो गया? घर आज भगवान की धाम बन गया, तो घर क्या बन गया? भगवान की धाम बन गया। इसलिए घर को हर समय भगवान का धाम ही बना के रखनी चाहिए, ठीक है ना? इसलिए भगवान की भजन करो, भक्ति करो, जिस घर में सबके सब भक्ति करते हैं वही घर ही बैठा होगा, ठीक है? गंदी चीज से दूर रहना, नहीं खाते ना गंदी चीज? नहीं लेना, बहुत अच्छी, शराब खराब नहीं पीना, बहुत अच्छी बात है। अब मांस मछली भी नहीं लेनी चाहिए, ठीक है? अच्छे तरह शुद्धता होकर भगवान की भजन करो, रहना घर ही तुम्हारी। कितने बच्चे हैं जो वो जो फटो ले रहा था, बेटा और एक बेटी है, बेटी भी है, बहुत अच्छी बात, एक लक्ष्मी एक नारायण है, ठीक अच्छी बात। इसलिए सब घर में मिल करके भगवान की भजन करो, भक्ति करो, तो बच्चे लोग गलत रास्ता पर नहीं जाएंगे, बच्चे लोग सब अच्छे मार्ग पर रहेंगे। जिस घर में बेटा जी राम जैसे बेटा हो, बहू जैसे सीता जैसे बहू हो, अल्लाह कुछ जैसे बेटे हो, बस वही अयोध्या। अयोध्या मतलब होगी क्या? जहाँ पर युद्ध नहीं होता है, अबध मतलब क्या? जहाँ पर कोई मरते नहीं, बद नहीं होते है, वही जिस घर में बस ऐसे वो घर ही भगवान की धाम बन जाता है, ठीक है ना? इसलिए भगवान की भजन करो, भक्ति करो, एक एक माला दे जाओ, माला को जप करना। आपके पास में है कि माला की नहीं? माला है ना, आपको दिया था, बहुत अच्छी बात है। इसलिए जो जिसको पास माला नहीं है ना, उनको एक माला देता हूँ। अब देखना बच्चों को भी हरिनाम कराना, देखना जैसे बच्चों को पढ़ाई पढ़ाई ठीक नहीं होता है ना, मन नहीं लगता है पढ़ाई में, अगर हरिनाम करेगा तो पढ़ाई में मन लगेगा, तुम खुद देख लेना। पढ़ाई में भगवान कहते ना, करते मेरे तरफ एक कदम बढ़ो, मैं तेरे तरफ में 10 कदम बढ़ता हूँ। जो भगवान की भक्ति करते हुए कोई भी काम करोगे वो सारे काम तुम्हारी बढ़िया होगी, ठीक है? बोले श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय। कोशिश करना भागवत कथा में आने के लिए, ठीक है? भागवत कथा में आओ बड़े भाग्य से, तो भी बीच बीच में आ जाना बेटा, ठीक है? हाँ भागवत कथा में आ गए ना, ले, 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 ले,